हेलो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2022 को ध्यान में रखकर ये वीडियो होने वाली है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी 2022-23 में जो आवेदन होने वाले इसके दिसंबर के लास्ट महीने में, उससे संबंधित ये पूरी वीडियो होने वाली है। उन सभी साथियों के लिए जो पहली बार इस एग्जाम को फेस करेंगे, पहली बार इस एग्जाम को देंगे, तो उनके लिए कई सारी कठिनाइयाँ हैं। उन कठिनाइयों को किस तरीके से कवर किया जाए, उस पर ये वीडियो होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पर बात करेंगे, बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें बात करेंगे तैयारी कैसे की जाए। जो बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट हैं, जो बिल्कुल यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और वो अपना लक्ष्य बना के रखें कि हमको समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बनना है 2023 के अंतर्गत, तो वो किस तरीके से तैयारी करें, उस पर आज हम बात करेंगे। 99% लोग क्या नहीं करते इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता, और वो 1% लोग कौन हैं जो किस तरीके से तैयारी करते हैं और उनका श्योर सिलेक्शन होता है। आगे बात करेंगे शुरू कहाँ से करें पढ़ना, यानी स्टार्टिंग आप कैसे कर सकते हैं पढ़ने के लिए, कौन से सब्जेक्ट को पहले उठा सकते हैं, वहाँ से आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। आगे इतना पढ़ लो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में कि कौन कौन से टॉपिक को और आपको किस तरीके से और किस तरीके से पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ना होगा, तो उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आगे बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाला है इन सभी टॉपिकों को लेकर। उसके बाद आप लोगों ने लगातार कमेंट किया था कि सर पाठ्यक्रम क्या होता है आरओ एआरओ का, तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दोनों ही जगह आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ आरओ एआरओ की संपूर्ण प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां जाकर जितने भी वीडियो आरओ एआरओ से संबंधित हैं एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, तो देख लेना। बेस्ट बुक लिस्ट क्या होगी, तो बेस्ट बुक लिस्ट के ऊपर ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो आ चुके हैं, आप एक बार देख लेना, ठीक है। प्री कट ऑफ क्या होता है वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है प्री कट ऑफ के बारे में। तो अभी अगर आपका इन तीनों टॉपिकों के पॉइंटों के बाद अगर कोई भी आपका डाउट बचता है तो कमेंट अवश्य कीजिए, आप सभी के कमेंटों का रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और नोट्स के बारे में बात करें तो जो लोग हमारे आरओ एआरओ बैच से जुड़ना चाहते हैं और इसमें क्या खासियत है, आप इस नंबर पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको यहाँ पर फुल नोट्स, यानी जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं आरओ एआरओ के लिए, जो लोग बुक लिस्ट नहीं लेना चाहते, बुक से तैयारी नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि हमको केवल वही चीज़ें दी जाएँ जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, सिलेक्टेड मटेरियल दिया जाए हर विषय का, तो आप 499 रुपये में फुल नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, जीके, ये सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, साथ ही साथ एक वर्ष का करंट अफेयर भी आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंटों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित हैं। देखिए, आपके सामने एक स्लाइड दी गई है, स्लाइड में आपके सामने सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप यहाँ पर समझेंगे जैसे करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, भारत का भूगोल, मैंने उन क्रमों को यहाँ पर दर्शाया है जो 2020 और 2021 में जो आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ है, 2016 वाला, 2020 में जो री एग्जाम हुआ था, उन सभी पेपरों को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो वीडियो बना रहे हैं उन्हीं टॉपिकों पर बना रहे हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देखिए किस तरीके से, जैसे करंट अफेयर की अगर बात की जाए तो 2020 और 2021 के दोनों पेपरों को एनालिसिस करने के बाद एक जो निचोड़ निकल कर आया है कि करंट अफेयर का जो वेटेज होता है वो 25 प्रश्न के आसपास आपको इर्द गिर्द देखने को मिलता है, कभी 20 हो सकता है, कभी 30 हो सकता है, जो एवरेज स्कोर है आपका करंट अफेयर का वो 25 रहता है। तो सबसे नंबर एक पर हमने इसीलिए करंट अफेयर को रखा है कि सबसे पहले आपको तैयारी करनी है करंट अफेयर की। सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन जिन लोगों के होते हैं वो करंट अफेयर को मजबूत करते हैं और इसी वजह से वो यूपीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो आपको कम से कम एक साल का करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसके ऊपर वीडियो बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार देख लेना वीडियो किस तरीके से करंट अफेयर की तैयारी करनी है, ठीक है। और अगर आप हमारे इस कोर्स से जुड़ते हैं, इस वाले कोर्स से, तो आपको यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, हम आपको बीच बीच में पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे जिससे आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर रखा गया यूपी स्पेशल को। यूपी स्पेशल इसीलिए रखा गया कि आरओ एआरओ जो परीक्षा है आपकी यूपीपीएससी के माध्यम से, उसमें 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर यूपी स्पेशल का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है 15 प्रश्न, क्योंकि स्पेशल यूपी की परीक्षा है इसीलिए यूपी से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत भूगोल की बात की जाए, अगर ज्योग्राफी की बात की जाए, टोटल भारत भूगोल और विश्व भूगोल दोनों को मिला के, तो लगभग आपके 20 से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से आपके भारत भूगोल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 से 7 प्रश्न आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो तीसरे नंबर पर हमने क्या रखा है इसको, भारत के भूगोल को। चौथे नंबर पर हमने आधुनिक भारत के इतिहास को लिखा है, किसको, आधुनिक भारत के इतिहास को,
ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज है, जिससे अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो टोटल 20 से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 15 प्रश्न आपके आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग हमने 5वें नंबर पर दर्शाया है, और इसलिए यहाँ से 15 प्रश्न यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान से लगभग देखिए साइंस वाले पार्ट की अगर बात की जाए तो 15 से 18 प्रश्न के बीच आपके साइंस से पूछे जाते हैं, उनमें से लगभग आप कह सकते हैं कि 10 प्रश्न आपके जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं, और बचे हुए 6 से 7 प्रश्न होते हैं वो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विज्ञान से मिलाकर पूछे जाते हैं। संविधान की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर आपके संविधान से पूछे जाते हैं। इधर थोड़ा बढ़ेंगे तो स्टैटिक जीके से, जिसको हम विविध कहते हैं, ठीक है, या मिसलेनियस कहते हैं, वो आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अर्थव्यवस्था से आपके 10 क्वेश्चन, पर्यावरण से आपके 6 क्वेश्चन, जनगणना से 5 प्रश्न, और प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास दोनों से मिलाकर लगभग आपके 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो सब टोटल क्वेश्चनों को अगर आप ऐड करोगे तो प्रश्नों की संख्या कुल 140 रहती है, जो प्री प्रश्न में पूछे जाते हैं प्री एग्जाम में। और इसके लिए अगर आप सेफ स्कोर चाहते हैं कि हम कम से कम कितने लेकर हम बिल्कुल तरीके निश्चित हो जाएं और मेंस की तैयारी में जुट जाएं, तो आपको इन 140 में से 90 लेकर आना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा 90 इसका लाना पड़ेगा, और जो 60 नंबर की आपकी जो हिंदी आती है उसमें से आप कम से कम 50 इधर ले आना। 50 और 90 आपके जो बनेंगे वो 140 बनता है। कितना? 140। और 140 कभी इसका कट ऑफ नहीं जाता, 130 के आसपास इसका कट ऑफ रहता है, 130-135 के आसपास से लिमिट इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आप इतना टारगेट रखें, जीएस वाले पार्ट में 90 और हिंदी वाले में 50 प्लस का टारगेट रखें, आपका श्योर सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा प्री में। अब देखिए कैसे बात करें, तैयारी कैसे करनी है। आप अभी बिगनर हैं, आपने बिल्कुल स्टार्ट किया है अभी पढ़ना, आपने अभी कुछ नहीं आपको आता लोअर पीसेस के, सॉरी आरओ के बारे में कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करें, इन सभी विषयों की बुक लिस्ट ले लें, यानी बुक्स आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक ले सकते हैं, और अगर आप किसी के नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो मेरे नोट्स हों या फिर अदर किसी भी कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं या आपने खुद बनाए हों, तो आप उन नोट्स को ले सकते हैं। उन नोट्स के माध्यम से आप क्या करें, सबसे पहले आप देखिए करंट अफेयर को तो आपको डेली पढ़ना है, करंट अफेयर को डेली आपको 1 घंटा देना है, डेली अभी से आज से ही जुट जाइए और डेली करंट अफेयर को 1 घंटे कम से कम पढ़िए, कम से कम 1 घंटे, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है कम समय में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका विषय है वो आपका यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल को आप कम से कम डेली 1 घंटे दें, 1 घंटे किसको दें, यूपी स्पेशल को दें। यूपी स्पेशल सबसे कह सकते हैं स्मॉल सब्जेक्ट है, सबसे छोटा जो विषय है वो आपका कौन सा, यूपी स्पेशल, और सबसे बेस्ट तैयारी किसकी कर सकते हैं, यूपी स्पेशल की। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, आप किसी भी बुक से तैयारी इसकी कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कई सारी बुक इसके ऊपर बताई थी कौन कौन सी बुक से तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं यूपी स्पेशल के लिए, जहां से आपके डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर हमने रखा यूपी स्पेशल के, आप यूपी स्पेशल हैं। तीसरे नंबर पर आप रखें भारत के भूगोल को, अब भारत के भूगोल को तीसरे नंबर पर 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट ऐसा है, बेस्ट सब्जेक्ट है और कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बुक लिस्ट मैंने कई सारी बता दी, पीडीएफ नोट्स हमारे प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप बात करते हैं कि भारत के भूगोल में पढ़ना क्या है, तो भारत के भूगोल में आप स्टार्ट करेंगे भारत के विस्तार को लेकर, आप भारत का अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, स्थिति एवं अवस्थिति वाले टोपो को, फिर भारत की भौतिक संरचना हुई, भारत का अपवाह तंत्र हुआ, दर्रे, पर्वत, पठार, नदियाँ, अपवाह तंत्र, ठीक है, घाटियाँ, झीलें, इन टॉपिकों को आप कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर भारत की जलवायु, भारत की मृदा, भारत की कृषि, भारत का परिवहन, इन सारे टॉपिकों को आप यहाँ से कवर करेंगे। और मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ दोस्तों 15 में 15 आप कर दोगे अगर थोड़ी भी अच्छे तरीके से तैयारी आपने की, ठीक है। और बुक वगैरह मैं पहले बता चुका हूँ, परीक्षा वाड़ी बुक हुई, महेश वडवाल बुक हुई, पेरियार की बुक हुई, इन तीनों में से आप कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं, भारत भूगोल के लिए सफिशियंट रहेगी। आधुनिक भारत के इतिहास से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आप 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आधुनिक भारत आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आधुनिक भारत तो बहुत सारा है और बहुत सारी बुकें मोटी मोटी, अगर आप कहोगे स्पेक्ट्रम तो स्पेक्ट्रम को भी अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो कम से कम 2 महीने कम से कम आप लगा दोगे, ठीक है। तो आधुनिक भारत में आपको सिलेक्टेड जो टॉपिक है वो पढ़ने हैं, कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक आधुनिक भारत में, तो आप स्टार्ट करेंगे देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इस टॉपिक को आप पढ़ें, ठीक है, और बेसिक तरीके से पढ़ लें। उसके बाद आप पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, इसको आप पढ़ें, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक और बचा मुगल काल का पतन, ये भी आप देख लें मुगल काल का पतन कैसे होता है, ठीक है। तो मुगल काल का पतन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, 1857 की क्रांति, उसके बाद फिर आप आंदोलन पढ़ें, ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण जो आंदोलन उनको आप कवर करें, ठीक है। और उसके बाद आंदोलन के साथ साथ समाज सुधारक देखें, ठीक है, कुछ संत वगैरह होते हैं उत्तर भारत के संत, दक्षिण भारत के संत, सूफी संत वगैरह, इनको आप देखें, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा देखें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था, जैसे अगर हम बात करें तो 1900 से लेकर 1950 के बीच जितनी भी घटनाएं हुई हैं इनको अच्छे से आप पढ़ें,
ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, किस व्यक्ति ने किस समाज की स्थापना की, किसकी कौन सी पुस्तक है, ठीक है, कौन सा क्रांतिकारी किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कवर कर लें। तो आपका यहाँ से आधुनिक भारत का आपका 15 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। एक सब्जेक्ट बचता है आपका रीजनिंग। ये सब्जेक्ट एक ऐसा है कम समय में बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। देखिए, एक आपका यूपी स्पेशल और एक आपका रीजनिंग, 15-15 क्वेश्चन है, 30 में आप 30 कर सकते हैं इन दोनों सब्जेक्टों में। ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है 15 में 15 आप इजीली तरीके से कर दोगे। अब कैसे कर दोगे, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा आपको यूट्यूब पर इसी पर, तो आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यूपी स्पेशल के लिए और इसके लिए, इन दोनों के लिए क्लासें आपको लगातार मिलेंगी, यूपी स्पेशल और रीजनिंग के लिए। स्पेशल आरओ आरओ के लिए क्लासें लगाएंगे, ठीक है, तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो मैं आपको एक या दो दिन में, आपको जो वीडियो अगला आएगा मेरा रीजनिंग पर, उसमें मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से तैयारी करनी है रीजनिंग की। ज़्यादातर जिन लोगों का रीजनिंग ठीक है वो इस पर ज़्यादा फोकस ना करें, वो अदर सब्जेक्टों पर फोकस करें, और जिनका रीजनिंग थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो थोड़ा कोशिश करें कि डेली एक घंटे आप रीजनिंग पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 15 में 15 आपको दिला सकता है, और कट ऑफ में जो आगे ऊपर आपको लेकर आएगा वो रीजनिंग ही आपको सेफ स्कोर की तरफ लेकर आएगा। ठीक है, जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जीव विज्ञान इंपॉर्टेंट है, इतना केमिस्ट्री से पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था 2021 में, फिजिक्स से 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो जीव विज्ञान से नॉर्मल है कि 8-10 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते हैं आपके यूपी पीएससी के एग्जाम में। ठीक है, कभी कभी इसकी संख्या बढ़ भी जाती है, तो इसके लिए मैं आपको बुक लिस्ट वगैरह बता चुका हूँ। अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं जीव विज्ञान का तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो आप बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। अब जीव विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, तो देखिए आपको विटामिन टॉपिक होता है, बीमारियां वाला टॉपिक्स होता है, ठीक है, रक्त टॉपिक्स हुआ, ठीक है, मानव कंकाल तंत्र हुआ, ऊतक वगैरह हुए, तंत्र का तंत्र वगैरह हुआ, ठीक है, ये जो टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट, उनको आप जीव विज्ञान में अच्छे से पढ़ें। बात करेंगे संविधान की, संविधान आपका सबसे सरल टॉपिक माना जाता है, कम समय में अच्छी तैयारी की जा सकती है संविधान की भी, और 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप गलती करने के चांस नहीं रख सकते। संविधान के लिए कई सारी बुक है आपकी, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं, दृष्टि की आती आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बट क्या देखो, संविधान जो जैसे लक्ष्मीकांत अगर बात की जाए बहुत ज़्यादा मोटी बुक है, और इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है आरओ आरओ प्री और मेंस दोनों एग्जाम में, तो इसके लिए मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत कुछ ज़्यादा मोटी हो जाएगा, परीक्षावाणी ले सकते हैं, ठीक है, वो ठीक है। और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब संविधान की तैयारी आप कैसे करें, स्टार्टिंग आप कहाँ से करें, संविधान सभा का निर्माण, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, DPSP, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन टॉपिकों का आप अच्छे तरीके से पढ़े, ठीक है। आपातकाल हुआ, निर्वाचन हुआ, संविधान संशोधन हुआ, संविधान के भाग हुए, संविधान की अनुसूचियाँ हुई, संविधान के आर्टिकल हुए, ठीक है, इन टॉपिकों को आप जो 10 से 12 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हैं इन टॉपिकों को आप कवर कर लें, तो ये जो 10 क्वेश्चन है आपके ईजिली तरीके से कवर हो जाएंगे। इन 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियों से ही पूछ लिए जाते हैं, हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। स्टैटिक जीके की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप जनरली सारे सब्जेक्टों से मिलाकर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ये किसी स्पेशल सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं होते, तो इनके लिए आप लगातार जीएस वाले पार्टों को कवर करेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि जो लूसेंट जीके की बुक आती है जो 120-130 रुपए की आती है, सबके पास होती है जनरली, उसमें जो विविध दी गई है पीछे वाली, वो सारी चीज़ आप कवर कर लें तो ये 10 नंबर आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। इकोनॉमी के लिए देखिए, इकोनॉमी के लिए कोई स्पेशल यहाँ पर आप बुक परचेज करने की कोशिश ना करें, यहाँ पर आप प्रतियोगिता दर्पण का जो विशेषांक आता है आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो कोई भी जनरली आपके पास इकोनॉमिक्स की कोई बुक हो, चाहे वो घटना चक्र का, तो इकोनॉमी आपको लेना ही पड़ेगा, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ बुक लिस्ट के बारे में, तो बुक लिस्ट पहले मैं बता चुका, आप देख लेना इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको विशेषकर पढ़ने हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें। इसमें पंचवर्षीय योजना आपको विशेषकर बहुत पढ़नी है, अच्छी तरीके से पढ़नी है पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग आपका इसी में आता है, नीति आयोग वगैरह इसी में आ जाता है, ठीक है, उसके बाद बैंकिंग हुआ, ठीक है, गरीबी उन्मूलन हुआ, ठीक है, ये आपको इस टॉपिक में इसमें कवर करने हैं, तो ये जो टॉपिक आपके दिए हैं वो सारी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, और 10 के 10 क्वेश्चन आप यहाँ से इजीली तरीके से निकाले रहेंगे। पर्यावरण सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक वगैरह मैं बता चुका हूँ, नोट्स वगैरह आप हमारे परचेज कर सकते हैं, तो 6 क्वेश्चन आते हैं इजीली तरीके से कवर कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो करंट से संबंधित होते हैं, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित हाल ही में कौन सा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, ठीक है, कौन सी थीम है पर्यावरण दिवस की, या पर कौन सा स्वच्छता से संबंधित कोई होने वाला है, या पर्यावरण को लेकर आगे मीटिंग कौन सी होगी, किस देश के बीच कौन कौन से सम्मेलन हुए, ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित करंट से अपडेट क्वेश्चन रहते हैं, तो आप करंट पर ज़्यादा फोकस करें। जनगणना की बात की जाएगी, बहुत पतली सी बुक आती है, 15-20 पेज की बुक आती है, करंट अफेयर के लिए आप उसको ले सकते हैं, अन्यथा आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं, 5 के 5 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। एशियन हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, जो मेहनत करनी है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेहनत करनी है। किसके लिए? मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेहनत
करनी है। तो कट ऑफ आप देख सकते हैं आपको कितना लाना है, 90 नंबर लेकर आना है किसमें से, और 90 ये नंबर लेकर आना है आपको 140 में से, 90 इधर ले आइए और 60 में से 50 इधर ले आइए। टोटल मिला के अगर बात की जाए तो 140 क्वेश्चन बन जाते हैं किसमें से, 200 क्वेश्चनों में से, किसमें से, 200 क्वेश्चन में से 140 अगर क्वेश्चन लेकर आते हैं तो ईजिली तरीके से आप इसको परसेंट में चेंज करोगे 140 20 200, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो परसेंट बनना है वो कितना बनना है, 70% बनना है। और दोस्तों जो UPSC का कोई भी एग्जाम से ही ज़्यादातर 65% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता, ये आप याद रखेंगे। तो आप 65% से कट ऑफ नहीं ज़्यादा जाता, आप तो 70 का टारगेट लेकर जा रहे हैं, और 70 का जिस दिन टारगेट आपने अचीव कर लिया, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। जितनी आपको मेहनत करनी है प्रीलिम्स एग्जाम पर कीजिए, किस पर, प्रीलिम्स एग्जाम पर कीजिए, मेंस की तैयारी आपकी यहाँ से श्योर हो जाएगी। उधर जाके केवल आपको हिंदी मेंस की तैयारी करनी है, निबंध की तैयारी करनी है, क्योंकि प्री और मेंस में जो GS और हिंदी का जो पार्ट है वो सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला भी टॉपिक क्लियर हुआ कि तैयारी कैसे करें। 99% लोग क्या नहीं करते, तो वो लोग उन सब्जेक्टों को पढ़ते रहते हैं जिनका वेटेज कम होता है, जिनका वेटेज होता ही नहीं है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हुआ, मिडिवल हिस्ट्री हुआ, इनको अगर वो उन्होंने पढ़ना चालू कर दिया तो उसी में लगे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उठा लिया भाई आपका कौन सा संविधान उठा लिया, पहले पर्यावरण उठा लिया, अर्थव्यवस्था उठा ली, इनको वो पढ़ने में लग गए, और उन्होंने स्टार्टिंग करेंट अफेयर, यूपी स्पेशल, भारत का भूगोल और आधुनिक भारत, इन टॉपिकों को जो शुरुआत के 5 टॉपिक दिए हैं आप इनमें से स्टार्टिंग करें। आप रीजनिंग डेली पढ़ें, इन 5 टॉपिकों को तो आप डेली पढ़ना पड़ेगा, ये 5 आप डेली पढ़ेंगे, मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ आप सफल जरूर हो गए, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते पढ़ते हैं और देखेंगे, ये वाला भी टॉपिक हो गया, शुरू कहाँ से करें हमने बता दिया, कहाँ से शुरू कर सकते हैं, शुरुआत के 5 टॉपिकों से शुरू कर सकते हैं, इनमें से कोई भी 5 टॉपिक ले सकते हैं और शुरुआत यहाँ से आप कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कितना पढ़ना है, सिलेक्शन पक्का हो जाए तो आपको बता दें 90 प्लस के लिए आपको पढ़ना होगा, इतना आपको तो पढ़ना पड़ेगा 90 प्लस के लिए, ठीक है। बुक लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें बता दी। अब भी अगर आपके दिमाग में कोई भी किसी प्रकार का भ्रम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्द दिया जाएगा, ठीक है। बेस्ट स्ट्रेटजी थी, इससे बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। और देखिए कल से हम क्या करेंगे, जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े आप एक बार टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर डेली टारगेट दिया जाएगा, ठीक है। अब टारगेट क्या दिया जाएगा, वहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, डेली टारगेट में एक टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ठीक है, पॉलिटी हुआ, और उसके बाद करेंट अफेयर हुआ, इनके सबके टॉपिक वहाँ पर एक साथ अपन लोग मैं आपको शेयर करता रहूँगा और आप लोग उनको कवर करते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम शाम को 8 से 9 या 10 के बीच लगभग एक टाइम निश्चित करेंगे, उस पर MCQ की प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है। डेली इन टॉपिकों को टारगेट का तैयार करेंगे, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में हमने रखा मॉडर्न हिस्ट्री में हमने रख लिया यहाँ पर 1857 की क्रांति, ज्योग्राफी में हमने रख लिया अपवातंत्र, पॉलिटी में रख लिया DPSP, और करेंट अफेयर का तो कोई टॉपिक होगा जनरल जो डेली आप पढ़ेंगे, ठीक है। इन 4-5 टॉपिकों की आप तैयारी करेंगे टॉपिक बार, फिर उन्हीं टॉपिकों से संबंधित MCQ आप शाम को लगाएंगे, जिससे आपकी जो तैयारी में जो कमी होगी वो आपको पता चलती रहेगी कि कौन सी हमारी कहां पर कमजोरी अभी बची हुई है, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करेंगे कोई भी आपका किसी प्रकार का डाउट है, और जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उनको सारे सब्जेक्ट यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।